फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है कि आप कैसे जाने कि कौन सा प्लैनेट आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है। आपको कुंडली की कोई जरूरत नहीं है, आपके डेट ऑफ बर्थ की भी जरूरत नहीं है, आपके पूरे दिनचर्या में आप कैसे एक्टिवेट करते हैं उस तरह से आप जानिए कि कौन सा ग्रह आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है। सबसे नंबर वन पे मैं बोलती हूँ सूर्य। जैसे आप सब जानते हैं आज के तारीख में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शेयर मार्केट, बिटकॉइन या फिर म्यूचुअल फंड या फिर बैंक, यानी जो भी पर्सन को बैंक से रिलेटेड यानी कि सरकार से रिलेटेड जो प्रोविडेंट फंड वगैरह अगर अच्छा लगता है, अपने पैसे वहां इन्वेस्ट करना चाहता है, यानी कि उसका सूर्य बहुत बलवान है, सूर्य की आराधना करिए तो बहुत उनको लाभ होगा। बहुत सारे आदमी है जिनको डिम लाइट बहुत अच्छा लगता है, सूर्य की रोशनी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उनको एकदम माइल्ड वातावरण, माइल्ड सॉन्ग अच्छा लगता है। दैट मीन्स कि उसका चंद्र बहुत ज्यादा एक्टिवेट है, तो जितना ज्यादा हो सके चंद्र की आराधना करिए। कोई भी इंसान कभी कभी पेन के बिना तो घर से बाहर नहीं निकलता, यानी कि उसका बुध बहुत एक्टिवेट है। गुरु को प्रणाम किए बिना सब हर एक आदमी अपने ईश्वर को तो आराध्य मानता ही है, पर कितने ऐसे लोग हैं जिनके एक पर्सनल गुरु जी होते हैं, उनका आशीर्वाद लेने के बाद ही अगर कोई काम कर रहा है यानी कि उसका गुरु बहुत ज्यादा एक्टिवेट है। कितने लोग होते हैं जो ब्रांड के बिना तो कुछ काम ही नहीं करते, ब्रांड सबसे पहले होना चाहिए, यानी कि उसका शुक्र बहुत बलवान है, उनको विनस का आराधना यानी कि शुक्र की आराधना बहुत करनी चाहिए। इसमें मैंने आपको मंगल का बोलना भूल गई। कितने लोग होते हैं जो लिस्ट के बिना घर से बाहर नहीं निकलते, ये करना है ये करना है ये करना है, पहले दे हैव टू मेक ऑल लिस्ट, उसके बाद वो घर से बाहर निकलते हैं, यानी कि उसका मंगल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। हनुमान जी की जितनी भी ज्यादा प्रार्थना करें उतना अच्छा है। और काफी लोग होते हैं जो वॉच के बिना घर से बाहर नहीं निकलते, उनको सबसे पहले वॉच टाइम देखना, उसके बाद ही घर से बाहर निकलते हैं। टाइम के वो बहुत पंचुअल भी होते हैं, यानी कि उनका शनि सैटर्न बहुत ज्यादा बलवान है। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो यू कैन कॉल मी एनी टाइम। कल आती हूँ अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हरिओम।